गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। दीपावली के अवसर पर दो दिवसीय दौरे पर शनिवार को अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न कार्यक्रमों में हुए शामिल। रविवार को दोपहर 1 बजे उत्तराखंड हुए रवाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में दीपोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद रविवार को करीब 2:15 बजे पहुंचे देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ केदारनाथ धाम में किया पूजा अर्चना, उतारी आरती। सोमवार को केदारनाथ के बंद होने वाले कपाट समारोह में होंगे शामिल। बद्रीनाथ धाम में उत्तर प्रदेश पर्यटक आवास गृह का करेंगे शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखनाथ मंदिर स्थित हिंदू सेवा आश्रम में किया आशीर्वाद अगरबत्ती का लोकार्पण। कहा, अगरबत्ती से होगा मंदिरों में चढ़ाए गए फूलों का सदुपयोग। समूह की महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर। घर घर पहुंचेगा आशीर्वाद। ईंट भट्टा पर डकैती और हैवानियत का हुआ पर्दाफाश। जीजा साले के गिरोह ने ईंट भट्टे पर डाली थी डकैती। गगा थाने की पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 20,670 रुपये कैश, पायल, नाक की कील, 3 मोबाइल, तमंचा, कारतूस और घटना में इस्तेमाल ऑटो को किया बरामद। मछली मारने के बहाने बच्ची को घर से ले जाकर युवक ने की थी हत्या। मामला गगा थाना क्षेत्र का। एनडीआरएफ टीम को कड़ी मशक्कत के 3 दिन बाद बरामद हुआ शव। पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। 3 शातिर अपराधियों को रामगढ़ताल थाना की पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से 1 अवैध पिस्टल और 2 खोखा कारतूस किया बरामद। सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने दी जानकारी। गोरखपुर में रविवार को मिले मात्र 9 कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 19,535। अब तक 315 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 352 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। संस्कार भारती के तत्वावधान में सूरज कुंड पोखरा पर आयोजित हुआ दीपोत्सव। 5100 दीपों से जगमग हुआ पोखरा। उतारी गई माँ गंगा की आरती। रबी फसल के अच्छी उपज के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जंगल कोरिया के 5 किसानों में किया गेहूं के बीज का वितरण। किसानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को व्यक्त किया आभार। और लक्ष्मी गणेश मूर्ति विसर्जन के अवसर पर सोमवार की सुबह से मंगलवार को मूर्ति विसर्जन समाप्ति तक रूट व्यवस्था किया डाइवर्ट। शहर के कई हिस्सों में यातायात व्यवस्था रहेगा प्रतिबंधित।